सो इस चेयर को बनाने के लिए मैं सागवान वुड का यूज़ किया है, तो उसमें सफाई भी कभी अच्छी आती है और फिनिशिंग काफ़ी बेहतर आती है उसमें। तो फोल्ड अगर आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी रह जाएगी जो देखने में लगेगी, ये तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज बन जाता है इसका फोल्ड होकर। डिमेंशन मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, जो डिमेंशन है इस चेयर की तो वो ऐसे हैं कि मैंने जो फ्रंट की लेग्स की हैं वो 2.25 इंच चौड़ी और 1 इंच उनकी मोटाई रखी है, एक पैर उनका लेगा जो, और फ्रंट लेग्स की हाइट है 39 इंच रखी है। तो पीछे की वाली जो फ्रेम है उसको वो भी सिमिलर है, 2.25 इंच पर 1 इंच उसकी मोटाई है और 27 इंच उसकी ऊंचाई है। और इसको इसके साथ ज्वाइंट करने के लिए मैंने स्क्रू का यूज़ किया है ताकि चेयर फोल्ड हो सके। जो सीटिंग है वो इसकी 16 इंची ऊंचाई है और 16 इंची इसकी गहराई होगी सीटिंग की। तो आप फोल्डिंग देख सकते हैं, ऐसे ये फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और जो इस चेयर की स्लाइडिंग की बात है तो इसमें ग्रूफिंग की है 2 सूत की और नेलिंग की है, वो लकड़ी आप देख रहे हैं ये वाली, तो इसमें नेलिंग की है ताकि वो स्लाइड चल सके, ताकि चेयर फोल्ड हो सके आसानी से। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे चेयर फोल्ड होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और एक बार आपको नज़दीक से सिखा दूँ, ऐसे चेयर फोल्ड होगी, देखिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैंने अपनी चेयर बनाई है। तो इसमें जो मैंने बैक रेस्ट वाली फट्टी यूज़ की है वो 4.5 इंच चौड़ाई है उसकी और 1.25 इंच मोटाई है। तो उसकी जो गलाई है वो मैंने बैंड सॉ के साथ की है। ठीक है, तो ये पीछे वाली लेग्स में थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है। तो बस यही है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर और शेयर मत करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।